वैसे तो रोज हम किसी न किसी सेट पर जाते रहते हैं, लेकिन आज हम जिस सेट पर आए हैं, आजकल उस शो को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, जी भर कर अपना प्यार लुटा रहे हैं। और जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मैं क्या तारीफ करूँ, उनकी ज़्यादा तारीफ मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आप देखते उन्हें पहचान जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है परी आपका। थैंक यू सो मच न्यूज़ नेशन, यहाँ आके मेरी मेकअप स्टोरी कवर करने के लिए और कैसे ओजस्वी परी बनती है उसके लिए, वो देखने के लिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है। अभी आपने कुछ देखा होगा जैसे बेस जो होता है, सो दिस इज द बेस दैट आई अप्लाई विच इज़ FS29 ऑफ क्राइलिन। तो ये बेस मेरे फेस पे अप्लाई किया जाता है और जो कटिंग्स होती है वो थोड़ा डार्क शेड होता है विच वी अप्लाई। देन बहुत सारी चीज़ें जब फेस पे अप्लाई की जाती हैं तब एक कलाकार अपने उस कैरेक्टर में आता है जो कैरेक्टर आप उसे स्क्रीन पे जिस तरह देखते हैं। तो अगर आप इंट्रिकेसीज देखेंगे तो यू कैन सी हमारे जो ब्लश ऑन्स होते हैं, जैसे मैं ये ब्लश ऑन यूज़ करती हूँ जो आपको थोड़ा पिंक शेड देता है, थोड़ा लाइवली शेड देता है। देन दिस मस्कारा दैट आई यूज़ आप देख सकते हैं, ये आँखों को थोड़ा इन्हांस कर देता है, आँखें और प्रिटी और बड़ी लगती है। उसके साथ साथ जो मेरे आई शेडोज होते हैं वो थोड़े पिंक कलर में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके साथ मैं थोड़ा डार्क सॉकेट्स यूज़ करती हूँ एंड आई मस्ट से दिस आईलाइनर शेप इज़ अ वेरी डिफरेंट शेप, मतलब बहुत ही उसको स्ट्रेच्ड हिरनी जैसे आँख जैसे बोलते हैं वैसा परी का आईलाइनर होता है विच इज़ अ लिटिल स्ट्रेच्ड काइंड, थोड़ा सा आँखों को बड़ा भी दिखाता है, आँखों को प्रिटी भी दिखाता है और फिर मेरे जो आई एक्सप्रेशन होते हैं उससे मैं सबको मंत्रमुग्ध कर देती हूँ। और ये सब कुछ इनकम्प्लीट है हमारे मेकअप दादा अगर यहाँ ना हो तो आपको मैं मिलवाती हूँ अपने मेकअप दादा से। ये प्रदीप दादा है और ये है जो ओजस्वी को परी बनाते हैं, तो ये हमारे मेकअप दादा है प्रदीप दादा। वैसे परी मां से जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हर कलाकार जो है कहते हैं एक तरह से बहुरूपिया होता है, यहाँ पर जब आप आते हो इस तरीके से और जिस तरह से अपने कैरेक्टर में जाते हो, तो सुबह कितने बजे आते हो और कितना टाइम लगता है तैयार होने में? वैसे हमारी 9 बजे की शिफ्ट होती है तो मैं थोड़ा पहले आती हूँ, यूजुअली 8:30 के आसपास अगर आप आएँ, मैं वैसे उससे भी जल्दी ट्राई करती हूँ आने का सो दैट बॉम्बे का ट्रैफिक ना मिले। तो उसके बाद मुझे अराउंड 9:30, 1 आवर तो मिनिमम लग जाता है इस हेयर स्टाइल में आने में, इस मेकअप करने में, कॉस्ट्यूम पहनने में। और ये बात ज़रूर सही है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपने तरीके से आते हैं, वही ट्रैक पैंट्स पहन के एकदम चिल्ड आउट टाइप से आते हैं जैसे ओजस्वी है, लेकिन जब हम एक बार ही अपने अटायर में आते हैं, इस लुक में आते हैं, तो ओजस्वी पूरी तरह परी बन जाती है, फिर वो पूरे 12 घंटे तक परी रहती है। अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारी फीमेल फॉलोअर्स हैं आप लोगों के, हमेशा देखते हैं मेकअप का जिनको शौक है, उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे मौसम बदलता रहता है, अब जनवरी जाएगा फरवरी आएगा, तो किस तरह से आप लोग फॉलो करते हैं इसको, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हम लोगों के चेहरे पे मतलब मिनिमम 12 घंटे मेकअप रहता है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप मेकअप करें या ना करें, नेचुरल ब्यूटी होती है, इसीलिए मेकअप पे डिपेंडेंट ना रहना ज़्यादा बेहतर है। आप अपना बहुत सारा पानी पिएं ताकि आपकी स्किन ग्लो करे, क्लियर रहे, फ्रूट्स ज़रूर खाएँ ताकि स्किन में अंदर से ग्लो आए। तो ये सब चीज़ों का विटामिन ई कैप्सूल्स आर नॉट बैड, आप उसको रेगुलरली ले सकते हैं, तो विटामिन सी कैप्सूल्स आप ले सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए अदरवाइज भी बहुत हेल्प करेंगे। मम्मी जी की सुंदर बहू, फ्रेंच वाली बाबी डॉल, सोशल मीडिया की सेल्फी क्वीन, फेशियल स्टेटस ऑलवेज लॉल। थैंक यू वेरी मच परी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अभी इनको हम छोड़ देते हैं ताकि पूरे देश को एंटरटेन करना है। बहुत थैंक यू हमसे बात करने, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।